उत्तरी भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर द्योरसित में चैत मास के मेलों का शुभारंभ 14 मार्च को होगा। ये मेले 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक चलेंगे। इन मेलों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तरी भारत के श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इन मेलों के लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर राकेश प्रजापति द्वारा किया जाएगा। चैत्र मेलों के दौरान बाबा बालकनाथ के दरबार में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व जम्मू कश्मीर के अलावा देश विदेश से श्रद्धालु बाबा के दरबार पर नतमस्तक होते हैं। वहीं विदेशों से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड व दुबई से ज्यादातर NRI भक्त बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। चैत्र मेलों के दौरान पूरी बाबा की नगरी श्रद्धालुओं से भर जाती है। श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के नाम का जागरण किया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु दंडवत यात्रा कर बाबा के दरबार में शीश नवाने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी 260 के करीब होमगार्ड व पुलिस जवान बाबा की नगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। पुलिस व होमगार्ड जवानों की तैनाती पूरे द्योरसित में बैरियलों मुख्य द्वारों में की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को बाबा की नगरी में परेशानी न झेलनी पड़े। सभी श्रद्धालुओं की गाड़ियों को वैरियल नंबर 1 पर ही रोक दिया जाएगा। वैरियल नंबर 1 से मंदिर मार्ग तक गाड़ियों का जाना बिल्कुल बैन रहेगा। अपंग, बूढ़ों व बीमारों के लिए मंदिर न्यास द्वारा 5 गाड़ियां निःशुल्क लगाई जाएंगी जो कि इस तरह के श्रद्धालुओं को मंदिर मार्ग तक पहुंचाएंगी। मंदिर को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में नायब तहसीलदार पद का अधिकारी सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं बड़सर SDM विशाल शर्मा ने बताया कि मंदिर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस और होमगार्ड के लिए 100 कर्मचारी अपनी सेवाएं देंगे। पानी और शौचालय की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें बड़सर BMO को स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। मेले का शुभारंभ जिला उपायुक्त राकेश प्रजापति करेंगे, जिन्हें आमंत्रण भेज दिया गया है। इस मेले में हमने BMO साहब को मेला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें 24/7 24 घंटे चिकित्सक और पैरामिलिट्री स्टाफ साथ में 2 एम्बुलेंस में वहाँ पर स्टेशन जाएगी, जो किसी भी ऐसी यदि मेडिकल एमरजेंसी होगी तो तुरंत वहाँ पर कार्रवाई करेगी।